शर्मनाक हार के बाद कप्तान रोहित के इस फैसले पर उठे सवाल, फिर दुनिया के सामने दे दी सफाई। मुंबई इंडियंस को मंगलवार को खेले गए आईपीएल 2023 के मुकाबले में 55 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 207 रन बोर्ड पर लगा दिए और मुंबई इंडियंस के सामने 208 रनों का टारगेट रख दिया। बड़े स्कोर के दबाव में मुंबई इंडियंस की हालत पस्त नजर आई और वह 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 152 रन ही बना पाई। मुंबई इंडियंस की इस शर्मनाक हार के लिए कप्तान रोहित शर्मा के एक फैसले को जिम्मेदार माना जा रहा है। शर्मनाक हार के बाद कप्तान रोहित के इस फैसले पर उठे सवाल। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने अहमदाबाद की पिच पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की जगह गेंदबाजी का फैसला कर लिया और गुजरात टाइटंस की टीम को पहले बैटिंग के लिए न्योता दे दिया। अहमदाबाद की पिच पर पहले गेंदबाजी का फैसला मुंबई इंडियंस की टीम पर भारी पड़ गया और गुजरात टाइटंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 207 रन बोर्ड पर लगा दिए और मुंबई इंडियंस के सामने 208 रनों का टारगेट रख दिया।